तैयार हो जाइए अहमदाबाद लेग का ये आखिरी दिन आखिरी मुकाबला जोन ए में गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ खेलेंगे। ये बड़ा अद्भुत मुकाबला है। गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स एक ऐसी टीम है जो पिछले कई मैचेस में लगातार बेहतर खेली है और पहली ही रेड में उनके एमजीआर कितनी कामयाबियां। पहली ही रेड में तूफान आ गया, मैच की पहली ही रेड तूफानी सुपर रेड करती है एमजीआर ने, महेंद्र गणेश राजपूत ने। महेंद्र राजपूत एक साथ तीन को लेकर के आए। सचिन रेड में दो का डिफेंस है, एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है। सचिन का संतुलन गड़बड़ाया लेकिन डिफेंस थोड़ा सा दहशत में, डैश करने की कोशिश, मिड लाइन को क्रॉस किया सचिन ने, कामयाब। मांग दो पॉइंट्स की कर रहे थे सचिन, यानी ऑल आउट की मांग कर रहे थे। यहां आनंद को टच अंपायर ने नहीं माना लेकिन जब डैश करने के लिए उनको आए परवीन, बड़ी खूबसूरती से लॉबी का इस्तेमाल किया सचिन ने। मांग कर रहे थे ऑल आउट की, फिलहाल एक से संतोष करना पड़ेगा। टच पॉइंट कैसे लेंगे, अपने प्लेयर को रिवाइव कैसे कराएंगे, अगर नहीं करा सके बिल्कुल नहीं करा सके ऑल आउट। इसके साथ ही हरियाणा स्टीलर्स गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स इस समय सातवें आसमान पर, पहला ऑल आउट सिर्फ आठवें मिनट में दिया उन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को। ये है सुनील परवेश की जोड़ी, विरोधी रेडर्स की कमर फिर से तोड़ी। सुनील ने पीछे से पैर खींचे, परवेश ने सामने से ब्लॉक किया। और ये खिलाड़ी को देख लीजिए, रेडर महेंद्र गणेश राजपूत, मैच की पहली रेड में तूफानी सुपर रेड की थी, पहली ही रेड में हरियाणा के डिफेंस को चकनाचूर कर दिया था। यहां महेंद्र आउट, जबरदस्त डबल थाई होल्ड किया उनका कुलदीप ने। और ये महेंद्र की पहली कमजोरी है, इनकी थाईस पर अगर आप अटैक करेंगे तो ये टस्क से मस नहीं हो पाते। ये डू और डाई है प्रपंचन ने यू मुंबा के खिलाफ, तीन डू और डाई रेट में 100% स्ट्राइक रेट के साथ कामयाबी हासिल की थी लेकिन आज पहली ही रेट में शिकार हो गए। और चूंकि ये सुपर टैकल था, दो पॉइंट्स मिलेंगे हरियाणा को। क्या ये हरियाणा की वापसी का एक और मजबूत शंखनाद माना जाएगा? पहले मोनू ने तूफानी सुपर रेड की थी पहले हाफ में, लेकिन यहां सचिन शिंगाड़े जो कि सब्स्टिट्यूट खेल रहे हैं, उन्होंने मजबूत डबल थाई होल्ड किया, सपोर्ट दोनों तरफ से आया। इस सीजन के चौथे सुपर टेन से सचिन एक ही पॉइंट दूर है। क्या आउट है, चौथा सुपर टेन सचिन तंवर ने लगाया है, ST99 सचिन तंवर। रोहित गुलिया थोड़ा सा डिफेंस में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। महेंद्र राजपूत पिछले कुछ मैचेस में अंतिम समय में आए और इस बार अंतिम समय में किए गए। और यहां जमीन का बड़ा आसान टैकल। मोनू गोयत ने फॉर्म में वापसी की है आज, पिछले चार मैचेस में 17 रेड पॉइंट थे, आज फिलहाल आउट। डिफेंस में लगातार गुजरात लगातार बेहतर खेली है, रेडिंग में उनके सारे के सारे खिलाड़ी चले हैं और इस जीत के साथ गुजरात ने ना केवल वीवो प्रो कबड्डी में हरियाणा को पहली बार हराया है बल्कि अपने जोन में पॉइंट्स टेबल में नंबर एक पर भी आ गए हैं। कर्जा है गुजरात अपने होम मैच पर।